आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम इज। तो बच्चों फेरस ऑक्सलेट की अगर हम बात करें तो ये होता है Fe2C2O4। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो Fe+3+CO2 में कन्वर्ट होगा। अब अगर हम n फैक्टर की बात करें तो यहाँ Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे? C2O4-2, कार्बन को अगर आप x मान रहे हो तो 2x+4(-2)-8, x will be equals to +3। तो ये 3 से 4 में जा रहा है लेकिन कार्बन के नंबर ऑफ एटम है बच्चों 2, 3-4, प्लस Fe जा रहा है 2 से 3 और Fe के नंबर ऑफ एटम है बच्चों 1, तो यहाँ n फैक्टर आ गया 3। और अगर हम Cr2O7 2- की बात करें तो ये कन्वर्ट होता है बच्चों Cr+3 में। तो यहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम यहाँ n फैक्टर की बात करें तो 2 क्रोमियम के एटम है, 6 से 3 में जा रहा है, कितना चेंज आएगा बच्चों 3 × 2 = 6, n फैक्टर आ गया 6। अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स और n फैक्टर की टर्म्स में होता है, n फैक्टर इनटू मोल। यहाँ पे K2Cr2O7 या n फैक्टर इनटू मोल Fe C2O4। तो यहाँ मोल्स कितने दे रखे हैं आपको फेरस ऑक्सलेट के 2, n फैक्टर आपने निकाला 3 और आपसे n फैक्टर K2Cr2O7 का निकाल चुके हो 6। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है विच इज n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6/6 विच इज 1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।